1935 टू 1945 वॉज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इट एंडेड इन 1945 एंड फोकस ऑफ वॉर शिफ्टेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच केम थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज ऑल्सो नोन एज टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन वॉज द टाइम पीरियड वेर न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर डिस्कवर्ड एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड ड्यू टू अनप्लान्ड डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये समझ में आने लगा कि किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, और लोगों का ध्यान इस तरफ जाने लगा कि जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करना ज़रूरी है. इस समय पे दो बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स आई इन्वायरमेंट के ऊपर, जिनको लैंडमार्क बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है. One of the book was written by Rachel Carson and the name of the book is Silent Spring, which was published in 1962. इस बुक में रैशल कार्सन, जो कि एक मराइन बायोलॉजिस्ट थी, इन्होंने DDT के जो बैड इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर उनके बारे में बात करी. 1945 के बाद जो DDT का उपयोग था, ये सिविलियंस के लिए यानी आम जनता के लिए परमिट कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया DDT. और रैशल कार्सन ने इसके बारे में बात करी कि DDT का अगर इसी तरह से यूज़ होता रहा तो सभी ऑर्गेनिज्म, वो चाहे बर्ड्स हैं, चाहे फिश हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हैं, उन सब के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव होगा. हालांकि इस चीज़ के लिए उनका बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली DDT को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और इसको बिल्कुल सुपरविजन के अंडर लाया गया. इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुई कि लोगों का ध्यान पर्यावरण की समस्याएं के ऊपर गया. लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि किस तरह से हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है. तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये बुक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि इसके बाद कई तरह की एनवायरनमेंटल मूवमेंट शुरू हुई फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. इसी तरह जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बुक है, दैट इज रिटन बाय बैरी कॉम्बनर और इसका नाम है द क्लोजिंग सर्कल. ये बुक पब्लिश हुई 1971 में. इस बुक में पहली बार आइडिया दिया गया सस्टेनेबिलिटी का, और ये जो आइडिया था कि पर्यावरण को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, ये मास ऑडियंस को बहुत पसंद आया, आम जनता को बहुत पसंद आया. बैरी कार्सन एक एकेडमिशियन थे, यानी वो टीचिंग करते थे, बायोलॉजिस्ट थे, एजुकेटर थे, और इसके साथ साथ वो नेचुरल एक्टिविस्ट भी थे. ये कॉलेज में प्रोफेसर की तरह वर्क करते थे, लेकिन उसके साथ साथ इनका एक पॉलिटिकल करियर भी था. इन्होंने 1980 में US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ये कैंडिडेट थे फॉर द सिटीजन पार्टी. तो इन्होंने ये ओपिनियन दिया अपना कि US इकोनॉमी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इकोलॉजी. इन्होंने बात करी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंडिजिनस नहीं है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो उस जगह पे आम तौर पे नहीं बनाए जाते हैं या फैक्ट्री मेड हैं, उनको बैन किया जाना चाहिए, स्पेशली डिटर्जेंट्स और सिंथेटिक टेक्सटाइल को, यानी जो कपड़े धोने के जो डिटर्जेंट्स हैं या जो सिंथेटिक कपड़ा है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि इनको बैन किया जाना चाहिए और नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाना चाहिए. इनकी भी बहुत क्रिटिसिज्म हुई, इनके बारे में भी ये कहा गया कि इस तरह से जो डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार कम होगी. इन्होंने अपनी बुक में 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी दिए. सो दीज 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी दे वर प्रपोज्ड बाय बैरी कार्सन इन हिज बुक, और इन्हीं को 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी माना जाता है. इकोलॉजी अगर कहें तो इकोलॉजी मतलब वो साइंस जो कि स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. तो इकोलॉजी टर्म, ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये वर्ड ऑक्यूलॉजी से आया है, जिसमें ऑक्यूस का मीनिंग है हाउसहोल्ड और लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ.
तो ये आम आसपास के में जो हमारे हो रहा है, जो हमारा सराउंड है उसमें जो हो रहा है, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने जो फोर लॉज दिए, दे आर, फर्स्ट इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, यानी सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक में तब्दीली आएगी तो पूरे पर्यावरण में, पूरी इकोलॉजी में उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सेकेंड लॉ इन्होंने दिया, एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, यानी जो भी वेस्ट क्रिएट होता है या जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उनको जब हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं, तो वो हमारी आंखों से दूर हो जाते हैं लेकिन वो प्रकृति में बने रहते हैं। थर्ड इज नेचर नोज द बेस्ट। जैसे हमने बात करी कि इन्होंने जो कॉटन के यूज़ के बारे में बोला, या डिटर्जेंट की बजाय इन्होंने कहा सोप यूज़ किया जाए जो कि प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, तो इन्होंने कहा कि नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज्ञानशील है, वो जानती है कि कौन सी चीज़ किस जगह में सही प्राकृतिक माहौल में उग सकती है, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी बढ़िया है। आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल हम देखते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, इवन एनिमल दे आर टेकन फ्रॉम वन टाइप ऑफ इन्वायरमेंट टू अदर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि शायद उनके रहने के लिए सूटेबल भी नहीं होता। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से स्पीशीज एक से दूसरी जगह पर ले जाई जाती हैं या अननेचुरल प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, सो दे आर लाइकली टू बी डेट्रीमेंटल, दे आर लाइक टू बी डेट्रीमेंटल टू दैट सिस्टम, यानी इससे निश्चित तौर पे उस सिस्टम को इफेक्ट पड़ेगा। एक और लॉ इन्होंने दिया, दैट इज नोन एज देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। अब ये जो लॉ है ये बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि ये हर चीज के ऊपर कॉस्ट लगाने की बात करता है, हालांकि जो कॉस्ट है इन्वायरमेंट की उसको आप मनी की फॉर्म में नहीं बता सकते। और ये भी कहा गया कि ये कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देगा, यानी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करेंगे, और जो गरीब देश हैं या गरीब लोग हैं उनको इन चीज़ों से दूर कर दिया जाएगा, जबकि जो प्रकृति है वो सबके लिए सांझी है। हालांकि बाद में जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया, जब हम पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल की बात करते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजी के बारे में, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे, दैट हाउ टू मैनेज इकोलॉजी, उसमें हम इस लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो लॉ है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स जो है ये इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन बाद में उस समय पे इसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि इस लॉ को डिस्कार्ड ऑफ कर दिया गया, यानी बहुत इसको क्रिटिसाइज किया गया। इन लॉज के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दीज लॉज आर प्रिवेसिव, प्रिवेसिव मतलब शाश्वत, यानी ये चीज जो है ये समय के अनुसार बदलने वाली नहीं है, ये बनी रहेगी। एंड ऑलमोस्ट इम्यूटेबल, यानी ये बदलने वाली चीज नहीं है, इम्यूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। और ये जो लॉज हैं उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर दिए, जो उस समय पे ह्यूमंस की इंट्रैक्शन थी नेचर के साथ, जो उस समय का परिवेश था, उस समय का माहौल था, उसके अनुसार उन्होंने ये लॉज दिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये लॉज आज भी वैलिड हैं, आज के समय में जो कि जिसमें काफ़ी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, जिसके बारे में लोग पर्यावरण के बारे में जानते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि ये लॉज आज की इस परिस्थितियों में भी उतने ही वैलिड हैं। दे कैन बी अप्लाइड नॉट ओनली टू इकोसिस्टम बट दे कैन ऑल्सो भी अप्लाइड टू एटमोसफियर, यानी इन लॉज को हम पूरे पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोसिस्टम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेगमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एटमोसफियर जो कि एक पार्ट है इकोसिस्टम का उसके ऊपर भी हम इसको अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम के ऊपर, जब हम क्लाइमेट सिस्टम की बात करते हैं तो उनमें ये लॉज जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। बेसिकली ये जो लॉज हैं ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। एन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में भी हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे कि ये एन्वायरमेंटल एथिक्स क्या हैं, फिलहाल आप समझिए कि ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। हमें अपने इकोसिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, और उसको सेव करने के लिए हम सही एक्शन तभी ले पाएंगे अगर हमें इकोलॉजी की पूरी समझ होगी।
यही जो चार लॉज हैं, इनमें से तीन लॉज को इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स में शामिल किया गया। अब इन्वायरमेंटल लॉज और इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स में, या ब्रॉडर वे में हम देखें लॉज और प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है। लॉज मतलब दे आर अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ सिनेरियो, यानी उस समय पे क्या सिचुएशन है इसके ऊपर लॉज डिपेंड नहीं करते। लॉज हर सिचुएशन में जो है वो सही साबित होने वाली चीज़ें हैं। तो लॉज जिनको हिंदी में हम सिद्धांत बोलते हैं, ये सभी कंडीशन में अप्लाई हो सकते हैं, जबकि प्रिंसिपल्स हम कहते हैं ये ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल्स हैं जो किसी स्पेसिफिक फिनोमेना के लिए सही साबित होते हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स कहें तो ये हुए पर्यावरण के नियम, और जब हम इन्वायरमेंटल लॉज कहते हैं तो ये होते हैं पर्यावरण के सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचर स्टेट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स, यानी सब जो कारक हैं प्रकृति के वो आपस में जुड़े हुए हैं, सब फैक्टर्स आपस में इंटररिलेटेड हैं। एंड दिस इंटररिलेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल, समय समय के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती है और ये जो इंटररिलेशनशिप है ये काफ़ी जटिल है। हम सब लोग जानते हैं कि एवोल्यूशन को एक वे ऑफ इम्प्रूविंग द स्पीशीज की तरह हम समझते हैं, और इकोसिस्टम जो है इसमें सारी जो स्पीशीज हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। लेकिन अगर इकोसिस्टम में कोई स्पेसिफिक स्पीशीज बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तो इसके कारण इन्वायरमेंट में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं और कई बार इकोसिस्टम टोटली कलैप्स भी कर सकता है। इकोसिस्टम बोलने तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप का जाल है जिसमें सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। तो इस फंक्शनल यूनिट में सभी जो पार्ट्स हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर उस किसी भी एक पार्ट में कोई कोई पार्ट मिस हो जाता है या उसमें कोई मेजर चेंज आ जाता है तो उसके कारण पूरे इकोसिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इकोसिस्टम इज एन एम्पलीफायर सो दैट ए स्मॉल चेंज इन वन प्लेस मे अफेक्ट ए वेरी लार्ज चेंज एंड मे बी दैट चेंज इज सीन इन सम अदर पार्ट। यानी इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ चेंजेस एम्पलीफाई हो जाती हैं, एक जगह पे आने वाले बदलाव के कारण किसी और दूसरी जगह पे भी उस बदलाव को कई गुना बड़ा होके देखा जा सकता है। सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फूड वेब में, फूड चेंज में जुड़े हुए हैं। सिमिलरली बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स हैं जिसमें जो केमिकल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं वो लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम पूरे इकोसिस्टम को समझें। नेचर इज रिजिलियंट एंड एट द सेम टाइम इट इज एन एम्पलीफायर, दैट मीन्स कि नेचर आमतौर पर छोटे मोटे बदलावों को सह जाती है, रिजिलियंट है, अपने आप को दोबारा से बना सकती है। लेकिन कई बार ये छोटे चेंजेज जो हैं ये बहुत गुना ज़्यादा प्रभाव देते हैं, यानी एम्पलीफाई भी हो जाते हैं। तो नेचर का ये गुण है दैट ये रिजिलियंट भी है, यानी सहनशील है, दोबारा से बनने वाली चीज़ है, अपने आप को ठीक करके दोबारा से सिस्टम को सही कर सकती है, और इसके साथ साथ ही ये एम्पलीफायर ऑफ द चेंज भी है। ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है ये आमतौर पे नेचर में आने वाली चेंजेस की दर को यानी रेट को और स्पीड को बढ़ा देती हैं, जिसके कारण नेचर का जो नेचुरल लॉ है, जो नेचर अपने आप से कुदरती तौर पे अपने आप को बनाने में सक्षम है वो नहीं बना पाती, जिसके कारण जो चेंजेस हैं वो कई गुना एम्पलीफाई हो जाते हैं। जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर, हम जो भी चीज़ को फेंकते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, एज ए लेफ्ट ओवर या एज ए बाय प्रोडक्ट, तो वो कहीं कहीं नेचर में, कहीं ना कहीं नेचर में बनी रहती है।
तो ये जो लॉ है ये लगभग फिजिक्स के दूसरे लॉज की तरह ही है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी है, थर्मोडायनेमिक के लॉज हैं। तो ये लॉज भी क्या कहते हैं कि जो वस्तु है वो अपने रूप को बदल लेती है लेकिन वो कुदरत में बनी रहती है। इसी तरह नेचर के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं, हमारी आंखों से चाहे वो दूर हो जाता है लेकिन वो नेचर के साइकिल में बना रहता है। और जब ये बाय प्रोडक्ट काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके कारण जो है पोल्यूशन होता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि एक तो ऐसे बाय प्रोडक्ट जो हमारे इंडस्ट्री से निकलते हैं उनको दोबारा से इन्वायरमेंट में ऐड होने लायक बनाना चाहिए, और ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको भी मटेरियल साइकिल में इंक्लूड करना चाहिए बाय रीयूज और बाय रीसाइकलिंग, ताकि नेचर में जाने वाले जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मात्रा को कम करें और इससे पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल होगी। सिमिलरली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो नेचर में जो बाय प्रोडक्ट्स हैं या वेस्ट मटेरियल हैं उनकी मात्रा को कम करा जाए। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के टॉपिक में कि किस तरह से नेचर के में जो बाय प्रोडक्ट हैं वो दोबारा नेचर के साइकिल में रिसाइकल होते हैं और दोबारा से यूजफुल बनाए जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट, यानी सभी तरह के जीव जंतु चाहे आपको अप्रिय भी लगते हैं, चाहे आपको परेशान करने वाले लगते हैं, चाहे आपके लिए हानिकारक है, लेकिन वो कुदरती तौर पे आपकी नेचर का प्रकृति का एक हिस्सा है। और कुदरत में सभी ऑर्गेनिज्म को एक जिगसॉ पजल की तरह देखा जाता है, यानी अगर कोई भी स्पीशीज मिस हो जाती है तो समझिए आपका जो पजल है उसका एक पीस, पिक्चर का एक पीस मिस हो गया, अब वो तस्वीर जो है उतनी खूबसूरती से नहीं बनाई जा सकती। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ फूड चेन और फूड वेव, सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फूड चेन यानी कौन किसको खाता है और फूड श्रृंखला जिसको कहा जाता है उसमें जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो एक इकोलॉजिकल यानी पर्यावरण में संतुलन को बनाए रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं। अगला जो नियम है दैट इज नेचर नोज बेस्ट, यानी प्रकृति सबसे अच्छी तरह जानती है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म, कौन सा प्लांट किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा बेहतर तरीके से पनप सकता है। तो हमें इन रिलेशनशिप्स में तब्दीली लाने की कम से कम चेष्टा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तब्दीलियाँ आए, क्योंकि तब्दीली आने से जो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप है यानी कौन किसको खाता है वाला जो संबंध है उसमें भी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसके कारण किसी एक स्पीशीज़ का नंबर बढ़ सकता है या कोई स्पीशीज़ का नंबर घट सकता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। और इंसान का ये सोचना कि उनका ही सबसे ज़्यादा हक है, चाहे वो फूड है चाहे वो कंज्यूमेबल मटेरियल है, ये भी बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्ट्रेस पैदा करता है। द एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम नेचर इज ऑफन ए साइन दैट इज दैट इट इज इनकम्पैटिबल विद द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी अगर कोई चीज़ नेचुरल तरीके से पर्यावरण में नहीं है, नेचर का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उस जगह की, उस स्थान की केमिस्ट्री के साथ मैच नहीं करती, तालमेल नहीं बिठा सकती। तो ज़बरदस्ती किसी प्लांट को दूसरे पर्यावरण में, किसी एनिमल को दूसरे पर्यावरण में भेजने के लिए या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नेचर में ऐड करने से नेचुरल सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब होता है। इसी का एक एग्जांपल दिया है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिनको जीन में तब्दीली ला के नए तरह के ऑर्गेनिज्म बनाना, सिमिलरली केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना, ये इकोलॉजिकल बैकलैश यानी प्रकृति वापस से थप्पड़ मार सकती है, बैकलैश कर सकती है, सिस्टम टूट सकता है अगर इन और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। और हम देखते भी हैं अपने आसपास कि बहुत सारे नई तरह की बीमारियां, नई तरह के म्यूटेशन, नई तरह के कैंसर, नई तरह के कारण बनते हैं जिसके कारण बीमारियां और मृत्यु आती है, डेथ आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस भी तरह का हम प्रकृति में बदलाव करते हैं
उसकी कोई लिमिट है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद नेचर इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, इकोलॉजिकल बैलेंस डिसरप्ट्स।